इस वीडियो में हम झील के बारे में पढ़ेंगे और उसकी ट्रिक जानेंगे। वीडियो के लास्ट में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी जो प्रमुख झीलें हैं वो हैं वूलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील और डल झील। इसमें जो वूलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आइए इसकी ट्रिक जानते हैं। वूलर, वूलर शब्द से हमें लग रहा है कूल टाइप का, ठीक है। तो कूल कहाँ पर रहता है? जम्मू कश्मीर वैसे बहुत कूल स्टेट है, ठीक है, वहाँ ठंड काफ़ी है। तो वूलर, कूलर से हम अटैच कर लें। कूलर क्या करता है? ठंडा करता है, और वो भी क्या है? ठंडा एक प्रदेश है, ठीक है। तो वूलर झील याद रहेगा। अब जिनके लास्ट में नाग आ रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में नाग आ रहा है, वो सब जम्मू कश्मीर की झीलें होंगी, ठीक है। डल झील, डल झील को याद करने का ये ट्रिक है। डल, डल और डाली एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके। तो डाली में क्या आता है? जामुन, और जामुन से हम जम्मू एंड कश्मीर समझेंगे, ठीक है। और ये चीज़ याद रखेंगे कि जो वूलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ओके। एक बार और देखते हैं जम्मू कश्मीर की झील, वूलर झील। वूलर को कूलर से अटैच करेंगे जो कि ठंडा है होता है, और जम्मू कश्मीर भी एक ठंड प्रदेश है, ठीक है। बेरीनाग झील, शब्द के अंत में नाग आ रहा मतलब जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील, शब्द के अंत में नाग आ रहा मतलब जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील, शब्द के अंत में नाग आ रहा मतलब जम्मू कश्मीर। नगीना झील, शब्द में नाग आ रहा मतलब जम्मू कश्मीर। डल झील, डल को डाली से अटैच करेंगे, ठीक है, और डाली में जामुन होता है, और जामुन को जम्मू कश्मीर से, ठीक है, याद हो जाएगा। नाग आ रहा लास्ट में जम्मू कश्मीर, वूलर को कूलर से करेंगे जम्मू कश्मीर, डल को डाली से करेंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अब इसको क्या रहेगा कि भारत की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो याद रहेगा वूलर झील। नेक्स्ट उड़ीसा, उड़ीसा की जो मुख्य झील है वो है चिल्का झील, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? उड़ीसा मतलब उड़ने से मतलब है, ठीक है, और चिल्का को हम चील से अटैच करें, मतलब चील क्या है? उड़ती है, बहुत दूर तक उड़ती है। तो उड़ीसा चिल्का, चिल्का उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, ठीक। मणिपुर, मणिपुर में है लोकटक झील, ठीक है। इसे याद कैसे करेंगे? मणिपुर में लोकटक झील है। अब अगर हम कोई मोती को खाएंगे, मणि टाइप में जो छोटी छोटी मोती होती हैं उनको हम खाएंगे तो टक टक की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो उस टक टक से हम तो लोक टक निकाल लेंगे, और हमने क्या खाया है? मणि खाई है, मतलब मोती खाई है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, मणिपुर लोकटक झील, ठीक है। उड़ीसा का याद रहेगा उड़ना मतलब चिल्का झील, ठीक है, चील ही बहुत उड़ती है, तो उड़ीसा को हम चिल्का से अटैच करेंगे। मणिपुर लोकटक झील, टक टक की आवाज़ आती है, ठीक। नेक्स्ट राजस्थान, राजस्थान में तीन झीलें हैं, राजसमंदर झील, फतेह सागर झील, लून करसर झील। राजसमंदर झील याद करने की ट्रिक सिंपल है, राजसमंदर, राज से राजस्थान और राजसमंदर से राज, ठीक। फतेह सागर, जो फतेह करेगा वही राज करेगा, तो इसे याद कर लेंगे फतेह सागर राजस्थान। लून करसर झील, लून को हम लूक से अटैच करेंगे, राजस्थान रेत प्रदेश है, वहाँ पर लूक बहुत चलती है, तो लून लूक राजस्थान, ठीक। एक बार और देखेंगे, राजस्थान है तो राज आ रहा राज समंदर में, राज आ रहा मतलब राजस्थान, ठीक है। फतेह सागर, जो फतेह करता है वही राज करता है, जो राजा फतेह करता है वही राज करता है, तो राजस्थान हो जाएगा फतेह सागर में। लून करसर झील, लूक बहुत चलती, राजस्थान एक रेती प्रदेश है जहाँ पर लूक काफ़ी चलती है, तो लून करसर झील में राजस्थान आ जाएगा। और सांभर झील,
जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान में ही है। ठीक, सांभर खाते ही हैं, उसका स्वाद थोड़ा खटमिट्टा होता है। ठीक है, तो हमें याद आ जाएगा अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन में खारे पानी की झील किसे बोलते हैं, तो सांभर झील को बोलते हैं, और वो कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक, नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में देवताल झील, खरपाताल झील, नैनीताल झील और मालाताल झील, जिन शब्द के लास्ट में ताल आ जाए वो उत्तराखंड में है। ठीक, इसकी सिंपल ट्रिक यही है कि जिन शब्दों के अंत में ताल आ जाए वो उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक, नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो मुख्य झील है वो है लोणार झील, और इसकी ट्रिक क्या होगी, महाराष्ट्र में एक लोखंडी जगह है, ठीक है, लोखंडवाड़ा इस तरह करके एक है, तो हम वहीं से इसे रिलेट कर देंगे, लोणार झील। ठीक है, लोखंडी या जो भी है वहाँ एक जगह है लोखंडवाड़ा, तो वहाँ से हम उसे अटैच करेंगे लोणार झील से। केरल, केरल की जो झील है वो है वेम्बनाड झील। अब वेम्बनाड से हमें समझ में आया कोई बांस वांस से रिलेटेड होगा, और केरल में बांस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो केरल को करैला से अटैच करेंगे, और करैला किस में आता है, किस में इसको लटकाया जाता है, मतलब कि उसे सपोर्ट के लिए बांस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो केरल को करैला और करैला से ही वेम्बनाड झील, समझ में आ ही गए। एक बार और देखते हैं, महाराष्ट्र लोणार झील, लोखंडवाड़ा वहाँ पर एक जगह है, वहाँ से हमने लोणार झील को अटैच कर दिया। ठीक, केरल, केरल में करैला देखेंगे, और करैला को सपोर्ट के लिए एक बांस की ज़रूरत पड़ती है, तो वेम्बनाड झील। ठीक, नेक्स्ट सिक्किम, चोलामू झील। ट्रिक क्या होगी, चोला, हनुमान जी के बदन में चोला चढ़ता है, और चोला चढ़ाने के बाद हम लोग उनको एक रुपए का सिक्का भेंट कर देते हैं, वहीं रख देते हैं, तो चोलामो मतलब चोला हमने चढ़ा सिक्का कर दिया था, सिक्का से सिक्किम और चोला से चोलामो झील। ठीक, और इसमें एक चीज़ और याद करने वाली चीज़ें हैं कि चोलामो झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। क्वेश्चन आता है कभी कभार कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है, तो हमें तुरंत आ जाना चाहिए कि चोलामो झील। आप ये सब देख लेंगे, ये सब आपके माइंड में सेट हो रहा है, लास्ट में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सब रिवील हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, यहाँ की जो मुख्य झील है वो है पुलिकट झील। ठीक, इसकी ट्रिक क्या होगी, पुलिकट झील, पुल से हम पुल को देखेंगे, ठीक है, पुल को कट मतलब कट गया, टूट गया। ठीक है, तो अगर पुल टूट जाएगा तो कोई एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा, तो तमिलनाडु, तमिल मिल, मिलना आ रहा है ना, तो मतलब मिल नहीं पाएगा, तमिलनाडु, समझ रहे, पुलिकट झील, पुलिकट सिंपल सी बात आ गया, पुलिकट, पुलिकट आया, हमने सोच लिया अर्थात पुल टूट गया, कट मतलब टूटना हटना। ठीक है, तो अगर पुल हट गया तो कोई एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा, तो मिलना कौन से स्टेट में आएगा, तमिलनाडु, तमिल मिलना आ रहा ना, तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। अब जब टूट जाएगा पुल तो इधर से उधर लाइट भी ना जा पाएगी, क्योंकि पुल टूट गया है, खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर अंधेरा छा जाएगा, अर्थात आंध्र प्रदेश। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो हमने ट्रिक सीखी है उसको यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला, शेषनाग झील कहाँ है। ठीक है, अब शेषनाग, और हमने ट्रिक याद की थी कि नाग शब्द आ जाए मतलब जम्मू कश्मीर। ठीक, और जम्मू कश्मीर की एक झील कौन सी थी, वुलर झील, जो कि मीठे पानी की झील थी, याद रहेगा ये भी। तो शेषनाग झील कहाँ है, तो इसका ऑप्शन आगे देखते हैं, केरल, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चोलामो झील कहाँ है। ठीक है, और चोलामो तुरंत हमने माइंड लगाया, चोला किस में चढ़ता है, हनुमान जी में, चढ़ने के बाद हम उसमें सिक्का चढ़ा देते हैं, था सिक्किम, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र, सिक्किम,
केरल, राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। हाँ, एक चीज़ इसमें और याद रखें कि चुलामो सबसे ऊंचे पर स्थित झील है भारत में, ठीक। इसका सही आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट, लोनार झील कहाँ है? लोनार अर्थात, हमें तुरंत याद आ गया कि लोखंडवाड़ा से रिलेटेड था, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, आगे हम ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र। तुरंत हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट, चिल्का झील कहाँ है? अब हमने ट्रिक याद की थी, चिल्का को हमने चील से रिलेट किया था, चील बहुत ऊंचे तक उड़ती है, तो उड़ना उड़ीसा से अटैच था। ऑप्शन देखते हैं, आइए, केरल, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। धन्यवाद।